हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं तिलकुट दुकान बिहारी मिठाई साथ। आप देखकर पहचान गए होंगे, इस तिलकुट को आप देख के पहचान गए होंगे और आपको अपने गांव प्रदेश बिहार की याद आ गई होगी। तो चलते हैं बिहारी मिठाई तिलकुट दुकान में और जानते हैं क्या क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है और कितना लाजवाब स्वाद होता है। तो खा के देखेंगे और हम आपको बताएंगे। अब बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी आजकल देखा जा रहा है कि बिहारी मिठाई तिलकुट बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। अगर आप भी इस तिलकुट को का स्वाद लिए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं दुकान के अंदर। ये चूल्हा पर जो आप कढ़ाई चढ़ा हुआ देख रहे हैं, इसमें चीनी खौल रहा है, चीनी का चाशनी तैयार किया जा रहा है। इस चीनी को तब तक गर्म किया जाएगा जब तक ये तिलकुट बनाने लायक रॉ मटेरियल ना तैयार हो जाए। ये खोलते खोलते सूख जाएगा, उसके बाद इसे उतार के तिलकुट बनाने का रॉ मटेरियल तैयार करेंगे। चीनी का चाशनी जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उस चाशनी को इस तरह से प्रोसेस से गुजारा जाता है। उस चाशनी को दीवार में लटका कर कारीगरी से खींचते हैं और पतला पतला गुल्ला बनाते हैं और इस तरह से ये खींच रहे हैं। ये लंबा सा जब तक खींचते रहेंगे तब तक ये ख़त्म ना हो जाए और पतला पतला गुल्ला बनाएंगे और उस गुल्ले को बाद में तोड़ कर ये छोटा छोटा पीस बना लें और उसको तिल के साथ मिलाकर कूटते रहेंगे जब तक वो तिलकुट पूर्ण रूप से बन ना जाए। चाशनी से बने मटेरियल को ये धीरे धीरे करके सबको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ रहे हैं। इस टुकड़ा को तिल के साथ कूटेंगे और तब तक कूटते रहेंगे जब तक तिलकुट तैयार ना हो जाएगा। देखिए ये छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ रहे हैं कारीगर लोग। यदि आप भी इस तरह से तिलकुट अपने घर में बनाएं कभी तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसा आपका तिलकुट बना था और कैसा स्वाद था। अब तो यह भी देखा जा रहा है कि इस तिलकुट को बहुत ही शौक से लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजते हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। यदि आपके यहाँ भी कोई रिश्तेदार तिलकुट भेजते हैं या फिर आप किन्हीं अपने रिश्तेदार को तिलकुट भेजते हैं तो हमें बताइए कि जो आपके पास तिलकुट आया था और जो आप भेजे थे क्या वो खास्ता था तो कैसा था, और स्वाद हमें से ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पर लग गए।
अब हमें ये बताएंगे कि कितने प्रकार का तिलकुट ये बनाते हैं और कौन कौन से प्रकार का तिलकुट इनके पास है, और उसका हम टेस्ट करेंगे और स्वाद बताएंगे। और आप भी अगर आप तिलकुट खाए हैं तो अपना स्वाद हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा है। तो चलिए हम लोग तिलकुट का स्वाद लेते हैं। रुकिए, इसको कौन सा तिलकुट कहते हैं? इसको बोलते हैं अनारकली। अनारकली, देखिए ये जो तिलकुट हो गया इसे कहते हैं अनारकली। अब इसका स्वाद हम लोग चख के देखते हैं। सबसे पहले देखिए मुंह में पानी तो आपके भी आ रहा होगा। चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। एकदम लाजवाब स्वाद है, बहुत बढ़िया। जहाँ भी रहिए आप ये तिलकुट का स्वाद जरूर लीजिए। ठंडा के दिन में तिल खाइए, ठंडा आपको नहीं सताएगा, ठंडा आप से दूर रहेगा, क्योंकि तिल गर्म होता है। आप देखेंगे कि तिलकुट पूरा तिल का ही बना था। स्वाद एकदम लाजवाब है, जबरदस्त है। कौन सा तिलकुट बताइए? अनारकली। इस तिलकुट के साइज का सेब का नाम है अनारकली सेब। और इसके बाद और कौन कौन सा तिलकुट आपके पास है? काजू। चलिए ने करते हैं और इसका स्वाद बताते हैं। देखिए ये हो गया काजू। काजू के साइज का इसलिए सारे इस तिलकुट को काजू तिलकुट कहते हैं। तो इसे हम इसको हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। वाह, एकदम सुंदर लाजवाब काजू तिलकुट। काजू तिलकुट खाइए, ठंडा से तो दूर भगाइए। और कौन सा तिलकुट है आपके पास? एकदम मस्त भाई, मानना पड़ेगा तिलकुट में स्वाद है। जी लगा चला है ना आपका? पापड़ी। ये कौन सा तिलकुट है? पापड़ी। पापड़ी तिलकुट। पापड़ी, पापड़ी तिलकुट, तिल के पापड़ी या तिल का पापड़ी। जी तो ललच रहा होगा अभी मालूम है। ठीक है, आप देख के संतोष कीजिए, और क्योंकि खा तो हम रहे हैं। जहाँ भी रहिए तिल खाइए, ठंड से दूर रहे, ठंड आपसे दूर रहेगा और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इसे कहते हैं पापड़ी तिलकुट। इसे भी टेस्ट करके देखते हैं। चलिए, लाजवाब स्वाद, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाई साहब क्या आप तिलकुट बनाते हैं। लाजवाब स्वाद, एकदम सुंदर। ठीक है दोस्तों, जहां भी रहें आप इस तिलकुट का जरूर स्वाद चखें। ऐसे भी बिहार में कहा जाता है कि बिहारी मिठाई, बिहारी मिठाई के नाम से फेमस है तिलकुट, काजू तिलकुट और अनारकली तिलकुट, पापड़ी तिलकुट। बहुत सारी वैरायटी का तिलकुट है, आप स्वाद तो चखिए। इसे क्या कहते हैं? तिलपापड़ी। तिलपापड़ी कहते हैं, तिलपापड़ी। लड़च रहे ना आप, लड़च ही है। अगर आप भी यहाँ होते तो आप भी जायका का स्वाद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। धन्यवाद।